नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। अंत्योदय एक्सप्रेस का एलनाबाद में ठहराव के लिए डीआरएम से मिले सांसद रोड़ी। एलनाबाद से बिलासपुर के लिए चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस का ठहराव एलनाबाद में नहीं है। इस विषय को लेकर के आज सिरसा में सिरसा लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी, चेयरमैन रवि लड्ढा, अग्रवाल सभा के प्रधान अंजलि लड्ढा, संजीव गर्ग, विनोद शर्मा ने ट्रेन की ठहराव के लिए ज्ञापन दिया। वहीं डीआरएम एके दुबे ने आश्वासन दिया कि जल्द ही रेल मंत्रालय इस पर गौर करेंगे, एलनाबाद भी इस ट्रेन का लाभ उठा सकेगा। आप देख रहे हैं एलनाबाद पलपल से एलडी स्वामी की ये रिपोर्ट। आज डीआरएम से मिले तो आपने क्या उनसे डिमांड रखी? देखो, बड़े लंबे समय दिया वक् वक् जदों भी मीटिंगों के होंगे सी तो यह जिक्र किया जाता है कि साढ़े सत्सा डिस्ट्रिक्ट है जो फतेहाबाद है, अड्डा वाली है, कालां वाली है, एलनाबाद स्टेशन है, जोड़े उन्होंने बहुत सारिया समस्या साढ़े स्टेशन उत्ते काफ़ी तरीके समस्या सी। अज डी एम साहब कुदरती सरसे आने का उन्होंने प्रोग्राम होया, डी एम साहब मिलने तो बाद पता लगे कि समस्या है कि एलनाबाद के जो नवी ट्रेन चल रही है वो ठहराव वास्ते। वैसे मंत्री जी ने भी पहला मेल की हुई थी, लेकिन अज उन्होंने रूबरू होकर मिले हैं। तो मैं समझा कि जी एलनाबाद की ट्रेन जो नवी चलती हुई है वो जल्दी ही वह ठहराव होगा, ये आश्वासन मिला है। आश्वासन मिले पूरा डीएम साहब ने कहा, बाकी मैं भी मंत्री जी फे वाई फेस भी मिलूंगा ताकि इन्होंने लोगों नाल जाके ताकि उत्थे वो ठहराव हो सके। जितों तक सवाल है सरसे का, और पहला भी एप्लीकेशन हुई सी और अज भी वो चर्चा हुई है, जैसे किसान एक्सप्रेस है, होर काम गाड़ी है और होर कालां वाली दी समस्या है, वक् वक् ते मतलब भी उन्होंने डिस्कस की, और डिस्कस करने तो बाद उन्होंने कहा भी मैं इन्हों देख के और मंत्रियों करके गल इन्हों का सोल्यूशन कढूँगा ताकि